अकवा मुत की इंसानी हकूक़ की कमेटी ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो फ़ौजी अदालतों से मतलब कानून साजी पर नज़रसानी के लिए फौरी इकदाम करें शहरीों पर उनका दायरा इख्तियार खत्म करे सज़ाए मौत के नफाज का इखियार ख़त्म करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी कार्रवाइयाँ शहरी और सियासी हकूक के माबन बैन अवी माहदे के मुताबिक हों ताकि मुनफाना ट्रायल के हक़ की जमानत दी जा सके डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जिनेवा में गुजत रोज खत्म होने वाले अपने ताज़ा तरीन जायजे में पाकिस्तान से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जारी कर दी गई रिपोर्ट में अको मुतह की कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान को फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार के तहत जेर हिरासत तमाम शहरीों को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए कमेटी ने फौजी अदालतों में आम शहरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट उन्नीस सौ बावन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया कमेटी ने सन दो हजार पंद्रह से दो हजार उन्नीस के दरमियान ज्यादातर मुकदमात सजाए मौत की रिपोर्ट्स पर भी रोशनी डाली अदलिया की आजादी के हवाले से की ने पाकिस्तान के वक्त की जानव से छब्बीसवीं तरमीम और उसकी मंजूरी के अमल से वराहम करदा मालूम को तस्लीम किया ताहम उसने जजस प्रोसिक्यूटर्स वकला बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी के साथ शफा मुशावरत के फुकदान पर तशवीश का इजहार भी किया कमेटी ने प्रोसिक्यूटर्स की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती मेकानिज़म प्रोसिक्यूटर्स की तकर्री तदीबी कार्रवाई और बढ़तरफी के तरीक़ार के बारे में मालूम की कमी पर अफसोस का इजहार किया कमेटी ने सियासी लिहाज से हसास मुकदमा बदनवानी दहशतगर्दी और तोहन मजहब से मुतक मकदम से मतलब जजिस और प्रोसिक्यूटर्स को गैर रियातीनासर की जानब से मुसलसल डराने धमकाने की इतलात पर तशवीश का इजहार किया के हक़ के मामले पर कमेटी ने तशवीश का इजहार किया कमेटी का कहना था कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट मुल्की हुकाम को अदालती और मुनासिब निगरानी के बगैर जाती डेटा तक रसाई उसे महफूज रखने और उसे गैर मुल्की हुकूमतों के साथ शेयर करने के लिए हद से ज्यादा वसी इार फराहम करता है कमेटी ने सिफारिश की कि हुकूमत फौरी तौर पर डेटा के तहफ़ का एक जाम कानून तैयार करे जो कि बैनवानी इंसानी हकूक के मैार के मुताबिक शफाफियत एहतसाब और डेटा की रजदारी यकीनी बनाए के पैनल ने पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वह एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ब्लैक पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और वीजा कंट्रोल लिस्ट से मुतल अपने कानूनी फ्रेमवर्क और पॉलिसीज़ पर नजरसानी और उनमें तरमीम करे अतहद की कमेटी ने कहा है कि हुकूमत को जबरी गुमशुदगियां रोकने के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी करनी चाहिए कि हर कस्म की गुमशुदगियों को फौजदारी कानून में वाज तौर पर बयान किया गया है और मुतल सजाएं जुर्म की संगीनी के पेश नज़र आलमी मैार के मुताबिक हैं कमेटी ने सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़ के एक्ट दो हज़ार इक्कीस की मंजूरी का जिक्र करते हुए सहाफ़ियों और इंसानी हकूक के रजाकारों की जबरी गमशुदगियों तशद कत्ल धमकियों और हरासा किए जाने से मुतिक रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तानी और इंसानी और धमकी तहकीक करे मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे मुआवजा दे बयान में से किया है कि वह आज़ादी इजहार राय पर कदगन हटाए इंटरनेट वेबसाइट और ऑनलाइन वसाइल की बंदिश और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाना बंद करे और इस बात को यकीन बनाए कि फौजदारी कवान और इंसदाद दहशतगर्दी के कानून को सहाफियों और इंसानी के मुहाजों की जबानबंदी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस रिपोर्ट का मबत पहलू यह है कि कमेटी ने मुतद कानूनी इकदाम का खैर मकदम भी किया है जिनमें नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क दो हज़ार बाईस खैबर पखतुनख्वा खुवान के खिलाफ घरेलू तशद का एक्ट दो हज़ार इक्कीस प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट दो हज़ार इक्कीस लीगल एड एंड जस्टमेंट अथॉरिटी एक्ट दो हज़ार बीस प्रवेंशन ऑफ स्मगलिंग इन पर्सन एक्ट दो हज़ार अठारह जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट दो हज़ार अठारह ट्रांसजेंडर परसेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 और एसिड एंड बर्न क्राइम एक्ट 2018 का निफाज शामिल है कमेटी ने क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 और नेशनल एडपन प्लान 2023 हजार तेईस जैसे इकदाम के साथ साथ अफगान महाजरन के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की मैयाद में जून 2025 तक तोसी के फैसले को भी सराहा मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें ड्रॉन न्यूज पाकिस्तान